नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की हुई पूजा अर्चना, डालिया चढ़ाने मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाअष्टमी को लेकर पूजा पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, पूरा अंग प्रदेश हुआ भक्तिमय। दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम, SSP आशीष भारती ने किया पूजा पंडाल का निरीक्षण। बाढ़ के बाद फैलने वाले संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। और बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कई सामाजिक संगठन आया आगे, शिक्षकों ने बांटी राहत सामग्री। और अब खबरें विस्तार से। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। देवी गीत से जिले के विभिन्न दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों का माहौल मातामयी हो गया है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना में श्रद्धालु लीन दिखे। सुबह से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में अष्टमी पर मां को डालिया चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान शंख और घंटे की गूंज से पूरा शहर गुंजायमान रहा। महाअष्टमी को लेकर सभी दुर्गा मंदिरों और पंडालों में भक्तों की भीड़ लगी रही। मान्यता के अनुसार पति के रूप में शिव को पाने के लिए माँ गौरी ने कठिन तपस्या की थी, जिसके वजह से माँ गौरी का शरीर काला पड़ गया था। लेकिन इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से कांतिमय बना दिया। माँ महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं जिले भर में स्थापित दुर्गा मंदिर और पूजा पंडालों की कुछ झलकियाँ। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पूजन को लेकर भागलपुर के सभी पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही हर आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला भक्तों के साथ युवाओं और बच्चों ने भी पूरे भक्ति भाव से मां महागौरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। पूरा शहर मां दुर्गा की भक्ति में डूबा रहा और हर ओर दुर्गा सप्तशती वैदिक मंत्रोच्चार, माता के भजन और भक्ति गीत से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। एक ओर जहाँ शहर के विभिन्न जगहों पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडालों में पूरे विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं नाथनगर महाशय ड्योड़ी, मशाकचक दुर्गावाड़ी, कालीबाड़ी, सरकारवाड़ी, लहरी टोला, दुर्गा मंदिर, रिफ्यूजी कॉलोनी समेत नवगछिया स्थित तेतरी दुर्गा मंदिर, कहलगांव सहित विभिन्न पूजा पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है। सभी पूजा पंडालों के साथ घरों में भी पूरे भक्तिभाव के साथ माँ दुर्गा की पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। महाअष्टमी की पूजा का विशेष महत्व और इसको लेकर जहां मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की गई, वहीं भक्तों ने महाअष्टमी का व्रत भी किया। वहीं भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला मैदान, मुंदीचक गढ़ैया, कचहरी चौक, आदमपुर चौक, खंजरपुर चौक, भिकनपुर मिर्जान हाट, तिलका मांझी समेत शहर के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों के साथ जिले के सभी क्षेत्रों में माँ के दर्शन एवं पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।
दुर्गा पूजा को लेकर रविवार से भागलपुर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसएसपी आशीष भारती स्वयं पूजा पंडालों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। जिले भर के सभी पूजा पंडालों में पुलिस की तैनाती के साथ चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सिटी एसपी एसके सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सभी पूजा स्थलों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस कप्तान आशीष भारती ने बताया कि 9 पूजा से शहर में रैफ जवानों की तैनाती की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि विसर्जन के दौरान रैफ जवान तैनात रहेंगे, साथ ही शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने दशहरा को लेकर सभी थानाध्यक्षों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा है। सभी जगह पे जो पार्टनर पुलिस के हैं, भागलपुर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी जो भागलपुर पूजा पंडाल है वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी तथा फोर्स है, महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है, और साथ ही साथ विसर्जन के लिए रैप की टुकड़ी भी कल आ जा रही है। और हमारे जो विशेष व्यवस्था है, हम लोग विसर्जन को शांतिपूर्वक और समय में पूरा करेंगे। बाढ़ और इसके बाद फैलने वाले बीमारियों की रोकथाम के लिए रविवार को इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम भागलपुर पहुंची। वहीं ईएमआर टीम के साथ सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बैठक की। इसके बाद टीम के साथ मंत्री ने जिले में चल रहे स्वास्थ्य राहत शिविर और कैंप की जानकारी ली। वहीं ईएमआर की टीम ने भागलपुर स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी की रोकथाम के लिए रणनीति तय की। हम आपको बता दें कि जिले में बाढ़ के कारण फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए यह पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की ओर से की गई है। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ईएमआर की टीम पूरी स्थिति की समीक्षा करेगी और जिले में बाढ़ से फैल रहे संक्रमण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार सरकार को सहयोग देने के लिए भारत सरकार खड़ी है, और मैं आप सोच सकते हैं कि भारत सरकार का मंत्री जो क्षेत्र से बिहार से भी आता और प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत का समापन तो शायद आपने अगर पिक्चर में देखा होगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बिहार की क्या हालात है, पटना की क्या हालात है और जगहों की क्या हालात है। बहुत चिंतित थे और उनको मैंने सही स्थिति का जो मुझे मालूम था मैंने कहा स्थिति थोड़ी उस समय पटना में ध्यान रखा थोड़ा दूर करें तो उस पर उन्होंने जो एक्शन लेना था उन्होंने आश्वस्त किया कि आप वहाँ जाएँ और हम पूरी तरह से जो भी आवश्यकता होगी सरकार के सरकार करने के कारण। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे गृह मंत्री जी जिन्होंने तुरंत यहाँ तक की जो टीम सेंटर की आई आदमी की वो गई है पटना यहाँ खगड़िया बहुत जगह जगहों पर वो सेंटर टीम जो आपदा का टीम तो आपदा का रिपोर्ट बाद में जाएगा। अभी 613 करोड़ रुपया भारत सरकार ने बिहार को रिलीज किया है। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए जिले भर में कई संगठन काम कर रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए कोचिंग संचालक और प्राइवेट शिक्षक भी आगे आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र चंपानाला पुल के समीप रविवार को उर्दू बाजार इलाके में कोचिंग चलाने वाली शिक्षिका संध्या कुमारी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित की। संध्या कुमारी ने अपने परिवार के सदस्यों और छात्र छात्राओं के सहयोग से मिर्जापुर गांव में रिलीफ पैकेट बांटा, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों में काफी खुशी देखी गई। इसके पूर्व शिक्षिका संध्या कुमारी ने मंगलवार और शनिवार को बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर खिचड़ी और सूखा राशन बांटा। शिक्षिका ने कहा कि असहाय लोगों की सेवा करना सबसे बड़ी मानवता है। मौके पर नूतन, विनीता समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं शिक्षिका सुमन सोनी ने नाथनगर, गोसाई दासपुर, हरिजन टोला, यादव टोला में नाव से जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। साथ ही सुमन सोनी ने अपने और अपने पति नकुल चंद्र सिंह की सैलरी की 5% राशि जरूरतमंदों को दी। शिक्षिका सुमन सोनी ने बताया कि कई प्रखंडों में अब भी लोग भोजन और पानी को तरस रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने में अनंत कुमार, आशुतोष तोमर, टिंकू कुमार और दिलीप चौबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ये
इसके माध्यम से भागलपुर के सभी लोगों को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से दुर्गा पूजा और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी की सभी मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करें। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों बक्सर बिहार सभी देश के लोगों को मैं महाअष्टमी का और दुर्गा पूजा का नवरात्र का बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। वह से मंगलमय हो, सर्वमंगल मांगल्य श्री सर्वान शांति सर्वे त्रम्बके गौरी नारायण। देही सौभाग्यम आरोग्यम देही मे परमं सुखम रूपं देही जयं देही यशो देही ईशो देही। मैं डॉक्टर डीपी सिंह भागलपुर वासियों के लिए इस दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सुखी रहें, समृद्ध बने और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें। दुर्गा पूजा शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की आराधना करते हैं माँ दुर्गा की, और शक्ति का सदुपयोग करें, कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। भगवान यदि ईश्वर आपको आर्थिक और शारीरिक शक्ति दिया है तो मैं सबों से निवेदन करूंगा कि दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ है और उसी तरह से आप अपने माँ पिता का भी ख्याल रखें। भागलपुर शहरवासियों से अपील है कि आप ये दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर शांति और सद्भाव बरकरार रखते हुए और बाढ़ पीड़ित को भी ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा कार्य करें कि जो इससे हमको कुछ बाढ़ पीड़ित को भी फायदा हो जाए। मैं यही अपील अपना भागलपुर से करता हूँ। मैं पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ तथा मैं सभी छात्रों से एवं अभिभावकों से एवं तमाम देशवासियों से खास करके अंगजन प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये दुर्गा पूजा पर्व को सहज पूर्वक एवं सद्भावना पूर्वक मनाए। भागलपुर वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अपील करता हूँ कि खुशी शांति सद्भाव एवं भाईचारा के साथ यह त्यौहार आप लोग मनाएं। दुर्गा पूजा के इस अवसर पर सबों के घरों में सुख समृद्धि आए, शांति का वास हो और साथ ही साथ भागलपुर की समस्त जनता एवं नाथ नगर विधानसभा के समस्त जनता को दुर्गा पूजा की हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि क्षेत्र की समस्त जनता सुख समृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा में आगे बढ़ेगी। तमाम बिहार वासियों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे यहाँ तिहाई हिस्सा नाथ नगर विधानसभा में बाढ़ से लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके में मैं जा कर घूम घूम कर देखने का काम की हूँ। अपने पंचायत एवं प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दुर्गा पूजा के पावन अवसर वासी एवं संपूर्ण अन्य क्षेत्र के छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को सफल एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। मैं वासुकीनाथ यादव, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष कहलगांव, मैं अपनी तरफ से कहलगांव विधानसभा समेत पूरे देश पूरे प्रदेश वासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। बिहार कौशल विकास मिशन श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार से अंगीभूत कुशल युवा कार्यक्रम बंजवारा की ओर से सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पासवान मुखिया ग्राम पंचायत बंजवारा पंचायत वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिव कुमार शाह मुखिया तेलोघा पंचायत सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुजीत कुमार प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुबोध पासवान दलित सेना उपाध्यक्ष सब प्रखंड लोजपा अध्यक्ष सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासी और जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मंजर आलम मुखिया माधोपुर बथानी सनहोला की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
मैं संतोष कुमार यादव, मुखिया लगमा पंचायत कहलगांव की ओर से आप सभी ग्रामवासियों एवं जिलेवासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुरलीधर सा थानाध्यक्ष पंजवारा आप सभी ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं निभा देवी, मुखिया सरदारपुर पंचायत, समस्त ग्रामवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं परीक्षित पासवान, थानाध्यक्ष वाराहाट, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं पंकज कुमार यादव, वार्ड प्रतिनिधि धुआबे पंचायत, वार्ड संख्या 12 की ओर से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907569 8210973753 7542931524 6200122297 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। दुर्गा पूजा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रविवार से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में तैयार किया गया ट्रैफिक प्लान विजया दशमी तक लागू रहेगा। ट्रैफिक प्लान में मेले के दौरान लगने वाले जाम की समस्या को लेकर शहर के ट्रैफिक की प्लानिंग की गई है। शहर के सभी थानेदार को नए ट्रैफिक प्लान के मैप के अनुसार वाहनों के परिचालन का निर्देश दिया गया है। पूजा को लेकर डिक्शन मोड़, घंटाघर चौक, मुंदी चक रोड, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, नया बाजार चौक और पुलिस लाइन मोड़ के समीप बैरियर लगाया गया है, जिससे वाहन चालक दूसरे रूट से निकल सकेंगे। वहीं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कैंपस, घंटाघर से बड़ी पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पार्किंग में गाड़ियों के लिए पार्किंग स्थल बनाया गया है। नाथनगर के नवटोलिया में सदर एसडीओ आशीष नारायण के सुरक्षा कर्मियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को पीटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को युवा एकता सामाजिक संगठन के सदस्यों ने सैंडिस कंपाउंड में बैठक कर मामले की निंदा की। इसके बाद युवा एकता के सदस्यों ने अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में एसडीओ आशीष नारायण का पुतला फूंका और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संगठन के ओम प्रकाश ने कहा कि पुलिस कर्मियों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को पीटना मानवाधिकार का उल्लंघन है। वहीं सदस्यों ने बाढ़ पीड़ितों के ऊपर किए गए मुकदमे को जिला प्रशासन से वापस लेने की मांग की है। मौके पर अजय कुमार सिंह, मंटू यादव समेत कई लोग मौजूद थे। जिला पशुपालन विभाग भागलपुर द्वारा रविवार को कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर पशुओं की जांच की गई। इस दौरान पशु चिकित्सकों की टीम ने मवेशियों की जांच कर आवश्यक दवा और पशु चारा का वितरण किया। टीम का नेतृत्व क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अश्वनी कुमार ने किया। इस दौरान पशु चिकित्सकों की टीम ने पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए पशु चिकित्सा शिविर में बीमार पशुओं की जांच की और पशुपालकों को दवा वितरित किया। साथ ही पशु के स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक जानकारी भी पशुपालकों को दी गई। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नवरात्र के 8वें दिन मां महागौरी की हुई पूजा अर्चना, डालिया चढ़ाने मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाअष्टमी को लेकर पूजा पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, पूरा अंग प्रदेश हुआ भक्तिमय।
दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी आशीष भारती ने किया पूजा पंडाल का निरीक्षण। बाढ़ के बाद फैलने वाले संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। और बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए कई सामाजिक संगठन आया आगे, शिक्षकों ने बांटी राहत सामग्री। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।